नमस्कार, पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सूरजमल राठौड़ और आज का हमारा सेशन रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। हमने 2 प्रैक्टिस सेट पढ़ लिए हैं SST लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के लिए। जिन विद्यार्थियों ने SST भर रखा है उनके लिए बड़ा ही काम का वीडियो। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम करने वाले हैं, व्याख्या सहित हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम CDP के 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हिंदी लैंग्वेज के रूप में फर्स्ट जो हम भरते हैं उसमें 30 क्वेश्चन, संस्कृत फर्स्ट के सेकंड के 30 क्वेश्चन और SST के हम 60 क्वेश्चन। इस तरीके से कुल मिलाकर हम अध्ययन जो करने वाले हैं वो 150 क्वेश्चनों का हल करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे, अपना सहयोग प्यार मुझे निरंतर देते रहें। अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और शुरू करते हैं आज का हमारा बेहतरीन सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे 150 क्वेश्चनों को। मॉडल टेस्ट नंबर हम 3 पढ़ने वाले हैं, मॉडल हल प्रश्न पत्र नंबर 3। बाल विकास, सबसे पहले हम CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का जो मॉडल है वो तीसरा मॉडल है, इसके ऊपर हम सबसे पहले हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों में आपको सबसे पहले सही कथन पूछा गया है। तो हमारा, मैं ऑप्शन चारों पढ़ देता हूं कि पहला ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास आपस में सहसंबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन ये है हमारा कि वृद्धि एवं विकास, वृद्धि है वो एक शारीरिक क्रिया है, हम उसकी भी एक पहले बात कर चुके हैं, और विकास है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें बुद्धि समाहित होती है, जिसमें सॉरी वृद्धि है वो समाहित होती है, वृद्धि एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विकास समाहित होता है, विकास केवल परिमाणात्मक परिवर्तन की ओर इंगित करता है। ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत है, पहला भी गलत है। आपको 2 ऑप्शन बीच वाले पढ़ने हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया। वास्तव में जब विकास की बात करेंगे तो हमारी एक व्यापक प्रक्रिया है जिसे शारीरिक प्रक्रिया ना कहते हो मानसिक प्रक्रिया कहते हैं, और उसी मानसिक प्रक्रिया में हमारी जो वृद्धि है वो समाहित होती है। इधर वृद्धि एक व्यापक प्रक्रिया, ये वाली बात गलत है। यहाँ से ऑप्शन आपका दूसरा राइट हो जाता है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि है वो समाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, अधिगम निर्योग्यता से संबंधित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता क्लीमेंट नामक विद्वान से संबंधित नहीं है। साइकोलॉजी या शिक्षा शास्त्र की अगर बात करें तो शिक्षाविद हुए हैं एक क्लीमेंट, उनसे संबंधित जो अधिगम निर्योग्यताएं हैं उनकी जो विशेषताएं दी गई है उनमें से कौन सी नहीं है। 3 है और 1 नहीं है। एक तो अतिक्रियाशीलता, संवेगिक अस्थिरता, अवधान समस्या और आर्थिक विपन्नता। अधिगम निर्योग्यता से संबंधित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता क्लीमेंट विद्वान की नहीं है। तो अति जो क्रियाशीलता है वो तो है, संवेगिक अस्थिरता भी है, अवधान समस्या भी है, लेकिन आर्थिक विपन्नता क्लीमेंट नामक मुद्दे से संबंधित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 आपको कथन दिया गया है, उसमें से गलत कथन को आपको पहचानना है। परिपक्वता स्वाभाविक परिवर्तन का नाम है, परिपक्वता स्वाभाविक परिवर्तन का नाम है, बिल्कुल राइट बात है ये। परिपक्वता अर्जित व्यवहार का नाम है, सही है। परिपक्व से हम कुछ ना कुछ हमारे जो अर्जित व्यवहार है, हमारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है जिससे हमारी परिपक्वता है वो दिखाई देती है, तो वो होता है अर्जित व्यवहार का नाम। सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, बिल्कुल राइट बात है। कोई व्यक्ति लर्निंग करेगा तो उसकी जो परिपक्वता है वो इसके ऊपर आधारित होती है, निर्भर होती है, ये बात बिल्कुल राइट है। यहाँ से तीसरा चौथा ऑप्शन है परिपक्वता अनुवांशिकता से संबंधित है, ये वाली बात यहाँ से नहीं है।
परिपक्वता अनुवांशिकता से कोई भी लेना देना है नहीं। परिपक्वता जो लर्नर होता है, जो बालक होता है, उसके विकास पर डिपेंड करता है, उसकी बुद्धि लब्धि पर डिपेंड करता है, अनुवांशिकता से उसका कोई संबंध नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। एक छात्र गणित विषय में कम अंक प्राप्त करता है, एक बच्चा है जो अपना गणित विषय में कम अंक प्राप्त करता है, शेष सभी विषयों में सामान्य अंक प्राप्त करता है, तो उस छात्र का पिछड़ावन कहलाएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सामान्य पिछड़ावन, असामान्य पिछड़ापन, या एक या दो दोनों, या विशिष्ट पिछड़ापन। थोड़ा सा समझ के हमें उत्तर देना है कि एक छात्र है केवल और केवल वो गणित विषय में कम अंक प्रदान करता है, बाकी जो विषय उनमें सामान्य अंक ले लेता है, तो उसका जो पिछड़ापन का कारण क्या है, यानी मैथ में जो नंबर कम लाने का जो पिछड़ापन है उसका कारण। अगर सामान्य कारण होता तो वो सभी में नंबर कम लेके आता, असामान्य होता तो किसी में नंबर कम ज़्यादा नहीं आते, सब में कम आते, ठीक है। तो ये दूसरा तीसरा कट गया, यानी वो विशिष्ट पिछड़ापन है, यानी जो मैथ विषय है उसका, यानी जो गणित विषय है उस गणित विषय में वो पिछड़ चुका है, यानी एक विशिष्ट सब्जेक्ट में वो पिछड़ चुका है, तो उसका जो कारण है वो विशिष्ट पिछड़ापन होता है। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने जो कथन दिया गया है, कथन दिया गया है, उस कथन में आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है, आंशिक पुनर्बलन है उसमें सतत पुनर्बलन बिल्कुल राइट है। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या कह रहा है। पहले मैं चारों ऑप्शन पर चर्चा कर लेता हूँ, सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है, ये भी बात, यानी एक दूसरे की ये बातें सेम कही जा रही है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से ज़्यादा प्रभावी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा से जो बाह्य अभिप्रेरणा मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है, वो ज़्यादा प्रभावी होता है, ये भी बात बिल्कुल राइट है, या उपरोक्त सभी है। अब देखिए क्या है, आंशिक पुनर्बलन क्या है और सतत पुनर्बलन क्या है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊँ। आंशिक पुनर्बलन का मतलब क्या, पुनर्बलन होता है फीडबैक, यानी किसी भी छात्र से हमने कक्ष में एक क्वेश्चन पूछा और उसने 10 एक क्वेश्चन बताए बिल्कुल राइट, और उसको पुनर्बलन मिला नहीं, एक क्वेश्चन पर उसको शाबाश का पुनर्बलन मिल गया, आंशिक पुनर्बलन। एक तो वो होता है यानी थोड़ा सा पुनर्बलन है वो आंशिक पुनर्बलन, लेकिन सतत पुनर्बलन क्या है, यानी उसको 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 10 क्वेश्चन पर वो लगातार है उनको शाबाश, वेरी गुड, अच्छा, ये पुनर्बलन मिलता जाए, तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है, ये कहा गया है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन में क्या, सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है, तो ये बात यहाँ से बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही नहीं कहा गया है, पहला ऑप्शन राइट है, तीसरा ऑप्शन राइट है, चौथे में उपरोक्त भी कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा छात्र को गाय का चित्र दिखाकर पूछा जाता है कि उसका क्या दिखाई पड़ रहा है, तो छात्र उत्तर देता है गाय, तो छात्र द्वारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के इस नियम का अनुकरण करता है। तो गेस्टाल्ट के जो चार नियम आपको दिए गए हैं, संरचनात्मकता का नियम, समानता का नियम, निरंतरता का नियम, समीपता का नियम। एक छात्र था, उस छात्र को गाय का एक चित्र दिखाया गया, यहाँ पर गाय है उसका एक चित्र दिखाया गया इस बालक को, और एक शिक्षक था कक्षा में, शिक्षक है वो इससे पूछता है कि बेटा ये बता ये क्या है, तो बच्चा है उस चित्र को देखकर कहता है कि सर ये गाय है, तो हमें बताना है जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद की जो थ्योरी है उससे संबंधित जो चार नियम दिए गए हैं, उस चारों नियमों में से कौन से नियम की जो व्याख्या है वो करता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, संरचनात्मकता का नियम है, समानता का जो नियम है, निरंतरता का नियम है, समीपता का नियम,
ये तीनों नियम लागू नहीं होते हैं, बल्कि संरचना का जो नियम है, यहाँ से उस बालक को जो गाय की संरचना है वो दिखाई गई, और गाय की जो संरचना है वो दिखाने से बच्चा है वो गाय को पहचान लेता है। तो गेस्टाल्टवाद की जो संरचनात्मकता का नियम है वो इस नियम का अनुकरण करता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से पाँचवीं कक्षा में न्यूनतम कार्य दिवस होते हैं। न्यूनतम कार्य दिवस की बात करेंगे, एक पाँचवीं कक्षा के न्यूनतम कार्य दिवस 100, 180, 120, 200। तो अगर बात करी जाए एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए जो कार्य दिवस होते हैं वो 200 कार्य दिवस माने जाते हैं, और 7 दिन में जो 200 कार्य दिवस है वो माने जाते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना यानी जो लर्निंग है वो किस प्रकार की एक प्रक्रिया है? भौतिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया है, अभ्यास के नियम की प्रक्रिया, प्रभाव के नियम की प्रक्रिया, तत्परता के नियम की प्रक्रिया। ये जो आपको दिखाई देता है तीनों, ये थार्नडाइक के नियम पर आधारित है। थार्नडाइक के नियम हमसे पूछा गया व्यवहारवादी की बात करूं तो हमारा जो वॉटसन है उसके नियम के अनुसार हम कहें तो सीखना भौतिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया है। भौतिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया है तो पहला ऑप्शन है वो इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, एक छात्र द्वारा यह कल्पना की जाती है कि वह कक्षा में प्रथम आ गया तथा उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि वह सामान्य स्तर का छात्र है, वह किस प्रकार की क्रिया कर रहा है? एक छात्र था, वो कल्पना करता है कि वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आ जाता है, और उसे क्या दिया जाता है? इनाम स्वरूप पुनर्बलन दिया जाता है, वो ये कल्पना कर रहा है, जबकि वह सामान्य स्तर का छात्र है, वह किस प्रकार का क्रिया कर रहा है? प्रतिवर्त क्रिया, अनुक्रिया, प्राथमिक क्रिया या द्वितीय क्रिया। वो बच्चा है वो इस प्रकार की जो क्रिया कर रहा है वो प्राथमिक क्रिया कर रहा है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके की जो कल्पना करता है बच्चा वो प्राथमिक क्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। रोस के अनुसार बाल्यावस्था की जो महत्वपूर्ण अवस्था वो कौन सी होती है? जिज्ञासा की प्रबलता, बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा है, संवेगों पर नियंत्रण, शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिरता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। रोस ने क्या कहा है बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं में? तो उन्होंने ये कहा कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता महत्वपूर्ण स्थिरता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों का भेद मानसिक रूप से स्थिर, मानसिक रूप से अस्थिर प्रकार से किया है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों का भेद मानसिक रूप से स्थिर, मानसिक रूप से अस्थिर प्रकार से किया है? तो थॉर्नडाइक है, टर्मन है, ट्रॉटर है, स्प्रेंगर है, आदि जो मनोवैज्ञानिक है उनमें से हमारा जो ट्रॉटर महोदय है उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्तियों का जो भेद है वो मानसिक रूप से स्थिर है और मानसिक रूप से अस्थिर प्रकार से किया, दोनों प्रकार से उन्होंने किया ट्रॉटर महोदय ने। सीखने में सर्वाधिक महत्व है, ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रेरणा का है, सीखने की इच्छा का है, इनमें से किसी का नहीं है या रुचि का है। सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रेरणा का। अगर कोई भी बच्चा है उसको हम प्रेरित करें सीखने के लिए तो वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बच्चा सीखने के लिए प्रबल होगा। अगर रुचि की भी बात करें, अगर बच्चा रुचि रखता है, बात तो तीनों ही से है यहाँ पर, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा प्रेरणा, उसके बाद में रुचि, उसके बाद में सीखने की इच्छा, तीनों ही डिपेंड करते हैं बच्चे के सीखने के महत्व पर, लेकिन सर्वाधिक महत्व पूछा है तो प्रेरणा का आपको उत्तर यहाँ से देना है। विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। कोई भी विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है, उसको छोटे छोटे अंशों में डिवाइड करके जो शिक्षण सिद्धांत
अपनाया जाता है वो सिद्धांत कौन सा होता है? नियोजन का सिद्धांत होता है, लचीलेपन का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत और विश्लेषण का सिद्धांत। तो छोटे छोटे अंशों में बांटने का जो सिद्धांत है वो विश्लेषण का सिद्धांत कहलाता है। उस विश्लेषण के सिद्धांत से हम पूरे पाठ्यक्रम पर विश्लेषण करके हम अपना जो साहचर्य है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमायोजन, मल एडजस्टमेंट, मल एडजस्टमेंट का मुख्य कारण क्या है? 14वां क्वेश्चन है मल एडजस्टमेंट कुसमायोजन का या असमायोजन का मुख्य कारण क्या है? सौहार्द वातावरण का अभाव, विद्यालय न जाना, माता पिता की गरीबी, उच्च शिक्षा की कमी। आपसे मुख्य कारण पूछा है, कारण तो ये भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारण की अगर बात करूं तो सौहार्दपूर्ण वातावरण का जो अभाव होता है वो असमायोजन का मुख्य कारण है, यहाँ से बनता है। किस उम्र के बालक प्राय पाठशाला छोड़कर निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं? 6 वर्ष, 9 वर्ष, 13 वर्ष और 17 वर्ष। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं किस उम्र के बालक प्राय पाठशाला छोड़कर निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं। तो 9 वर्ष के जो बालक होते हैं, 9 वर्ष के जो बालक होते हैं वो निरुद्देश्य ही विद्यालय को छोड़कर बाहर इधर उधर जो घूमने की आदत है उनमें शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, किस अवस्था में बालक की सृजनात्मक क्षमता का दमन होने लगता है? किस अवस्था के बालकों की सृजनात्मकता का दमन होने लगता है? तो ये स्पष्ट बात है, सृजनात्मकता जो सृजनशील बालक होते हैं उसमें जो ह्रास होता है सृजनात्मकता का वो कौन सी उम्र के बच्चों में होने लग जाता है? 5 से 6 वर्ष, इधर से सृजनात्मकता धीरे धीरे शुरू होती है, इधर से भी थोड़ी और आगे बढ़ती है, 15-16 में चरम सीमा पर होती है, लेकिन जब बच्चा 17 से 19 वर्ष का हो जाता है तो उसमें सृजनात्मकता की कमी आने लग जाती है और वो किशोरावस्था में प्रवेश किया होता है और वो अपने जो अलिंगी है उनमें ज़्यादा व्यस्त हो जाता है और जिसमें सृजनात्मकता की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे उनमें क्या हो जाता है, ह्रास होने लग जाता है, ये उनका मुख्य कारण माना जाता है। तो 17 से 19 वर्ष इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर क्वेश्चन नंबर 17, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग माना जाए तो सबसे पहले किसने किया था ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो, इतिहास के आधार पर देखा जाए तो, डॉक्टर पीटर सेलावे, डॉक्टर जॉन मेयर, जेम ब्रूनर या फिर पहला और दूसरा ऑप्शन। तो हमारा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो डॉक्टर पीटर सेलावे और डॉक्टर जॉन मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम में किया था। संवेगात्मक बुद्धि स्तर की माप करने के लिए जिस इकाई विशेष का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? IQ, EQ, 1, 2 या उनमें से क्यों कोई नहीं। तो IQ है वो इकाई विशेष का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, IQ चेक करते हैं हम, कहते हैं ना IQ। तो किस बुद्धि लब्धि के बालक को सर्वश्रेष्ठ मेधावी बालक कहा जाता है? तो ऑप्शन है इधर मेधावी बालक, कौन सी बुद्धि लब्धि है उनकी, उनको मेधावी बालक की श्रेणी में रखा जाता है? तो मेधावी बालक तो होते हैं प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, उसका दूसरा नाम आप समझ सकते हो प्रतिभाशाली बालक। और आपको पता है प्रतिभाशाली बालक 160, 170, 180 से ऊपर की जो बुद्धि लब्धि के जो बालक होते हैं वो मेधावी बालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 170 से अधिक जो बुद्धि लब्धि के बालक है वो मेधावी बालक या प्रतिभाशाली बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? स्प्रेंजर, थॉर्नडाइक, अल्पोर्ट, सेल्डन।
तो ये चार वैज्ञानिक आपको दिए गए हैं, जो मनोवैज्ञानिक आपको दिए गए हैं। तो हमें पहचान करनी है चिंतन एवं कल्पना शक्ति का, जो जिसे आधार मानकर व्यक्तित्व का विभाजन किया था वो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो थॉर्नडाइक महोदय है जिन्होंने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन उन्होंने किया है। तो हम बात कर रहे थे मनोवैज्ञानिक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन है वो थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्यापन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। व्यक्तिक विभिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला जो मनोवैज्ञानिक था वो कौन था। गाल्टन, स्किनर, वुडवर्थ, हर्बर्ट, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाल्टन है जो आपका सर्वप्रथम व्यक्तिक विभिन्नता पर अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मुख्य सिद्धांत नहीं है। आपको चार सिद्धांत दिए गए हैं अभिप्रेरणा मोटिवेशन के, जो चार सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं, उनमें से प्रमुख सिद्धांत कौन सा नहीं है। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, और भाषाई सिद्धांत है। तो अभिप्रेरणा के लिए जो भाषाई सिद्धांत है ये नहीं है, बाकी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, वो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 23 नंबर है, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, देखिए यहाँ पर आपको थॉर्नडाइक का संबंधवाद, प्रयत्न और भूल, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, किस नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो तीन ऑप्शन है जिसको थॉर्नडाइक के सिद्धांत के रूप में पुकारा जाता है, और ऐसा सिद्धांत है जो आपका एक, अभी आपको बता देता हूँ मैं, थॉर्नडाइक का सहसंबंधवाद है वो पुकारा जाता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये देखिए थोड़ा सा गौर करनी है आपको यहाँ से, प्रयत्न और जो भूल का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का नहीं है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो है, ये उद्दीपक प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुबंधित क्रिया और थॉर्नडाइक से संबंधित, ये तीनों ही थॉर्नडाइक के नियम हैं, और जो प्रयत्न और जो भूल का जो सिद्धांत है वो कोहलर का माना जाता है, सॉरी स्किनर का माना जाता है, प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, अधिगम प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है गहनता, अत्यधिक अधिगम, निरंतरता, पुनरावृत्ति। आधारभूत, पुनरावृत्ति से हम अधिगम करवाते हैं बच्चों को, लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसको मजबूती मिलती है, आधारभूत पक्ष माना जाता है पुनरावृत्ति। वंशक्रम का क्या अर्थ है, वंशक्रम से अर्थ हम बात करें तो जन्म से संबंधित विकास है, समाज से संबंधित विकास है, वातावरण से संबंधित विकास है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वंश कर्म की बात करें तो जन्म से संबंधित विकास माना जाता है वंश कर्म, समाज, वातावरण या आदि आदि से नहीं माना जाता है। नेक्स्ट 26 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंश कर्म में बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपको पता है बीज कोष है वो बीजमैन ने किया था, बीजमैन ने ही किया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बीजमैन, बीज कोष से बीजमैन आपको याद रख लेना है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेन्द्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेन्द्रियों का विकास किस अवस्था में होता है, विवेचना रहित विचार, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था, संकल्पना एवं प्रतीकात्मकता विचार की तैयारी अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था। जीन प्याजे के अनुसार ज्ञानेन्द्रियों का विकास किस अवस्था में होता है, तो जो चार अवस्थाएं जीन प्याजे ने बताई है उसके अनुसार जो संवेदनात्मक स्थिति अवस्था होती है उसमें जो ज्ञानेन्द्रियों का विकास है वो इसमें हो जाता है जीन प्याजे के अनुसार। मनोवैज्ञानिक गुडेन्फ
के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है? गुडेनफ के अनुसार 3 वर्ष में जो एक बालक है, एक व्यक्ति है, उसका कितना विकास हो जाता है? 1/3 भाग, 3/4 भाग, 1/2 भाग, 1/4 भाग। गुडेनफ ने कहा कि 1/2 भाग है वो 3 वर्ष की आयु तक है वो विकसित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 की अगर मैं बात करूँ वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, नैतिक विकास कोलरबर्ग, मनोसामाजिक विकास स्किनर। ये जो स्किनर है वो नहीं है माना जाएगा, मनोसामाजिक विकास है वो बांडूरा का है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये असंगत है। संज्ञानात्मक जीन प्याजे ये बिल्कुल रही है। तो मनोसामाजिक विकास है वो स्किनर का न होकर बांडूरा का है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 29वें क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें हम जैविक विकास का दायित्व होता है, जैविक विकास का जो दायित्व है वो कौन सा होता है? बात करेंगे सामाजिक संस्थाओं पर, और उसके बाद में बात करें वातावरण पर, वंशानुक्रम पर, माता पिता पर। तो जैविक विकास का जो दायित्व होता है वो माता पिता पर होता है, ये हमें याद रख लेना है। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन थे हमारे सी डी पी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पेडागोगी हम बात करें तो उसके 30 क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 30 नंबर क्वेश्चन तक इनका अध्ययन हमने किया है। तो आगे जाकर हमारी जो हिंदी विषय है उसके ऊपर हम 30 क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं। तो 31 से लेकर 60 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं अभी हिंदी विषय से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सिर हथेली पर रखने का अर्थ है। मुहावरा दिया गया है सिर हथेली पर रखना। तो आपको पता है सिर हथेली पर रखना वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, यह बिल्कुल राइट होगा। सिर हथेली पर रखना मरने के लिए तैयार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। भवन का पर्यायवाची है, भवन के पर्यायवाची शब्द की बात अगर करूँगा तो मंदिर, महल, धाम, ये तीनों ही नहीं होंगे। तो घर है वो पर्यायवाची है किसका? भवन का। भवन, घर, आलय आदि आदि जो है वो घर के पर्यायवाची है, भवन के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विपरीत अर्थक नहीं है, इससे चुने। आय का व्यय सही होता है, गुरु का लघु सही होता है, धर्म का धर्म सही होता है, सरल का कठिन भी सही होता है। चारों ऑप्शन इधर राइट दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन पर मैं क्या लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ। इसमें कोई सा भी असंगत जोड़ा है नहीं, चारों ही ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होने वाले हैं। अब बात करते हैं संधि के नियम की। वयोवृद्ध का संधि विग्रह, वयोवृद्ध में बता दूं यहाँ पर उत्तर विसर्ग संधि का नियम लगाया गया है। तो उत्तर विसर्ग संधि में ओ का निर्माण होता है, तो शब्द कौन सा रह जाता है? व्यय, और इसके साथ में कौन सा? वृद्ध। ठीक है, प्रथम शब्द के अंत में अविसर्ग तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में सघोष आने पर क्या होता है? ओ का निर्माण होता है विसर्ग, तो वयोवृद्ध यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन यहाँ पर आपको कहाँ मिलता है? 4 नंबर ऑप्शन में यहाँ पर आपको मिलता है। 34 का 4 नंबर राइट हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? हम बात करते हैं प्रति उपसर्ग की। जैसे उपसर्ग हम लगा लेते हैं, जिन शब्दों के साथ उपसर्ग लगते हैं वो अविभव समास के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो इसमें अविभव समास होगा, और बना हुआ शब्द है प्रतिदिन, एक अव्यय के रूप में काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से बिल्कुल राइट होने वाला है। उसके बाद में बात करूँ 36 की, निम्नलिखित शब्द में अप उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग लगा है, चारों शब्दों की अगर बात करूँगा तो आपको अप अप और अप अप दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हमें यहाँ से ध्यान दे के पढ़ना है। देखिए अपहरण शब्द, तो अपहरण शब्द की बात करूँ मैं, अपठित की बात करूँ, अपवित्र की बात करूं, अपमान की बात करूं, सब में अप पाया रहा है। यहाँ पर देखिए इस शब्द को तोड़ेंगे तो अप के साथ में हरण है,
पहला जो शब्द है इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, पहला जो शब्द है अप के साथ में हरण जोड़ा गया है। दूसरे शब्द की बात करूँगा तो आपको अप, उसके अप निकालने पर ठित रह जाता है, लेकिन यहाँ पर ए उपसर्ग के साथ में पठित शब्द जोड़ा गया है। तीसरे की बात करूँगा तो अपना, अपना जो एक सर्वनाम है उसके साथ में पन प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक है। उसके साथ में ए के साथ में क्या जोड़ा गया है, आपका पवित्र जोड़ा गया है। ए के साथ में क्या जोड़ा गया, पवित्र। यहाँ पर आपको पूछा गया अप उपसर्ग, तो अप उपसर्ग केवल एक नंबर ऑप्शन में लगता है, अपहरण में, अप के साथ में हरण जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 37 में, जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये हमें बताना है, जो युद्ध में स्थिर रहता है वो कौन होता है, युधिष्ठिर होता है। ये हम पढ़ के आए हैं कि जो युद्ध में स्थिर है वो युधिष्ठिर होता है, योद्धा स्थायी या कुल श्रेष्ठ नहीं होता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के हल हमें करने हैं। आज क्यों तेरी वीणा मौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन, स्थिल स्थिल तन चकित हुए कर संपदन भी भुला जाता डर मधुर, कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन, झुकती आती पलके निश्चल चित्रित निंद्रित से तारक चल, सोता पारावर द्रिगों में भर भर लाया कौन, आज तेरी वीणा मौन, आज तेरी वीणा मौन। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो हमें आगे जाकर तीन या चार क्वेश्चन है वो कविता से हमें पढ़कर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस कविता का रचयिता कौन है, तो ऑप्शन में आपको मन्नू भंडारी दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा, निर्मला गर्ग, चारों ही आपकी कवित्री दी गई है। तो रचयिता की बात करें है तो ये जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित, जो आपको कविता दी गई है महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये कविता है। अपठित पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, करुण रस था, शांत रस था, श्रृंगार रस था या अद्भुत रस था। तो यहाँ पर करुण या शांत या अद्भुत रस वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर श्रृंगार रस की छटा हमें देखने को मिलती है महादेवी के इस कविता में, श्रृंगार रस हमें देखने को मिलता है। भाव भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता दुर्बोध रचना है, श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, आरंभिक रचना है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बेजोड़ है। तो आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर है कि भाव व्यंजना, भाव इसका क्या है, श्रेष्ठ रचनाओं में से यह वाली जो रचना है वो यहाँ पर अंगित की गई है। रचयिता के विषय में वह निर्विवाद सत्य है कि वह सर्व उत्कृष्ट कवयित्री थी, साधना में दूसरी मीरा थी, छायावादी त्रय में न होकर वह अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी, इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद में तो थी, साधना में वो मीरा, दूसरी मीरा थी, ये बिल्कुल राइट है। छायावाद जो छायावाद की जो त्रयी है, चतुर्थी है, उसमें शामिल थी महादेवी वर्मा, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ें, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे, यदि घुमक्कड़े का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वसंज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे, वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ चिखने चारिक, हे भिक्षु घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत में के बाहर नहीं गए, किंतु उन शिष्यों में उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदुनिया और दक्षिण में बालीद्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया, जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव कल्याण के लिए, मानवों
की राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल तो कभी मिथिला तो कभी कश्मीर तो कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों में वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ये थे कुछ सन्यासियों की बात यहाँ पर इससे आपके गद्यांश में की गई है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हम पढ़ लेते हैं और उनका हल यहाँ से कर लेते हैं। तो हमारा जो 42वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए, गुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय आ चुका है यहाँ पर, गुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले आपको शब्द छांटना होगा, जो शब्द है आपका घूम, और इसके साथ में ना जोड़ देते हैं तो घूमना बन गया। अर्थात ये हमारा जो है ये घूम धातु है और गुमक्कड़ है वो कृत है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय, यहाँ पर अड़ प्रत्यय नहीं है, अड़ प्रत्यय नहीं, अकड़ नहीं, अक्कड़ है। तो घूम शब्द में जब हम घूम में जब अक्कड़ जोड़ेंगे तो आपका जो शब्द है वो घुमक्कड़ बन जाएगा। घुमक्कड़, जो घूमने वाला है वो घुमक्कड़, और इसमें आपका प्रत्यय पूछ लिया जाए तो कौन सा है, आपका कृत प्रत्यय है। स्वच्छंद में कौन सी छंदी है, स्वच्छंद में बात करूँगा तो आपकी व्यंजन संधि का नियम यहाँ से लग जाता है। और कौन सा नियम है उसकी अगर मैं बात करूँ, स्व प्लस में छंद, जब प्रथम शब्द के अंत में ए या आ तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में छ हो तो यहाँ पर प्लस के निशान पर हम एक च का आगमन और कर देते हैं, स्वर रहित च का आगमन कर देते हैं। जिस प्रकार से मान लेते हैं हम ये जो शब्द है आच्छादन, ये वाला जो शब्द है यहाँ पर देखिए आ आपका स्वर है, उसके बाद में छ आ गया, तो आपका प्लस के निशान पर एक स्वर रहित च का आगमन करना है, क्या बन जाता है, आच्छादन। और आच्छादन का मतलब क्या होता है, ढकना होता है। देखिए आच्छादन का मतलब क्या होता है, ढकना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा, व्यंजन संधि का नियम यहाँ पर लग जाता है। 44वें नंबर की बात यहाँ से करूँ मैं, तो कौन सा महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था उसकी अवस्था क्या थी, तो अभी हम पढ़ गए हैं 35 वर्ष उनकी अवस्था थी। इस गद्यांश के अनुसार जब वो बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो उम्र थी वो कितनी थी, 35 वर्ष उम्र थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म। अब इस पद्यांश में हम पढ़कर आए हैं, श्रुति धर्म का मतलब है वैदिक धर्म से तात्पर्य होता है आपका, श्रुति धर्म से तात्पर्य किसका होता है, वैदिक धर्म से होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ये तो हम पढ़ते ही आते हैं कि जैसा करोगे वैसा दोनों में संबंध है, करोगे तो आप वैसा फल प्राप्त करोगे, ये संबंध है, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ से होता है। निजवाचक में अपने आप, खुद, स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक में आपको, वह, यह, उस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक में मैं, हम, ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तुम शब्द का प्रयोग आदि किया जाता है। ठीक है, मेरा आप सर्वनाम का पूरा वीडियो देख सकते हो, इसको आप समझने के लिए विकारी शब्दों में मेरा जो पार्ट है सर्वनाम का, उसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब होता है एकादशी, पक्ष की पहली तिथि, विरोधिनी, पूर्णिमा। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो प्रतिपदा का यहाँ से जो तात्पर्य बनता है वो एकादशी का तात्पर्य होता है ग्यारस, पूर्णिमा का होता है पुण्यु, विरोधिनी यहाँ पर अलग है। प्रतिपदा का मतलब होता है कोई भी पक्ष आए उसकी जो पहली तिथि होती है उसको प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। प्रतिपदा का तात्पर्य यहाँ से एकादशी नहीं होता, ये थोड़ा सा आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अवगुठन का अर्थ है, अवगुठन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है आपको यहाँ से बताना है। गांठ बांधना, अंगूठा, घूंघट गूंथना, चार ऑप्शन दिया गया है। तो अवगुंठन का मतलब है घूंघट से है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर 48 का राइट होगा। 50 में अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक पर्यायवाची ऑप्शन सही नहीं है।
पुरंदर का अमरपति, जल्दी का अम्बुद, सरोवर का पुष्कर, फणी का उरग। ये जो आपको दिया गया है, फणी का जो उरग है वो यहाँ से बिल्कुल राइट नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका राइट नहीं होगा। फणी का हम नाग लिख सकते हैं। कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली नहीं है? कविता शिक्षण में सूत्र प्रणाली, गीत प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली। जो कविता सूत्र होता है उसमें सूत्र प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें गीत प्रणाली लागू होती है, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्या प्रणाली लागू होती है। सूत्र प्रणाली यहाँ से नहीं है। कोई भी कविता में सूत्र का नियम नहीं लगता, या आपकी जो गणित की विधि, गणित विषय होता है उसमें ये विधि काम में आती है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण का, तीसरा पहले और दूसरे दोनों का, शिक्षण अधिगम सामग्री को क्रिय करने का। एक अध्यापक होता है, उसको शिक्षण जो सामग्री है उसका नॉलेज, कौन सा नॉलेज होना चाहिए, हम उसकी बात अगर करें तो पहला ऑप्शन उसको प्रयोग कैसे करना है, ये भी उसको ध्यान होना चाहिए, और शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किस तरीके से होता है उसका भी अधिक प्रयोग उसको पता होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है वो राइट होगा, दोनों ही उत्तरों को वो सम्मिलित कर लेगा, तीसरा आपका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, केंद्रीय भाव ग्रहण प्रश्न पूछे जाते हैं कविता शिक्षण में, कहानी शिक्षण में, गद्य शिक्षण में और निबंध शिक्षण में। जो केंद्रीय भाव है उस कविता का जो मुख्य शिक्षण होता है, या कहानी का जो मुख्य शिक्षण होता है, गद्य शिक्षण है या निबंध शिक्षण है, जो आपका केंद्रीय भाव है वो केवल कविता में पूछा जाता है। उस कविता को पढ़कर, कविता है वो कौन से विषय को केंद्र में मानकर आपकी कविता लिखी गई है, तो केंद्रीय भाव ग्रहण के प्रश्न पूछे जाते हैं केवल कविता शिक्षण में। ऑप्शन नंबर एक यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सी प्रणाली प्राथमिक स्तर पर छात्रों की निबंध शिक्षा के लिए उपयोगी होती है? खेल प्रणाली, सूत्र प्रणाली, अध्ययन प्रणाली, समवाय प्रणाली। तो मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा है, बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को खेल विधि से पढ़ाना चाहिए। कहानी हो, निबंध हो, कुछ भी हो, उसको खेल विधि के माध्यम से निबंध की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। अनुकरण वाचन किया जाता है शिक्षक द्वारा, छात्र द्वारा, दोनों द्वारा, कक्षा नायक द्वारा। अनुकरण वाचन किया जाता है, मौन वाचन के अंतर्गत आता है अनुकरण वाचन। शिक्षक है वो आदर्श वाचन करता है, आपको याद रखनी है, शिक्षक है और दूसरी साइड में क्या है, बालक है, यानी शिक्षार्थी है, छात्र है। तो एक शिक्षक होता है वो क्या करता है, आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है, आदर्श वाचन। तो बच्चा है उस आदर्श वाचन का क्या करता है, अनुकरण करता है, तो वो अनुकरण वाचन है वो प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अनुकरण वाचन किया जाता है, तो बालक या छात्र द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा, कहानी शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं है। कहानी शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं है मनोरंजन का, ये तो उद्देश्य होता ही है, ये तो आपको पता ही है, ये उद्देश्य होता है। उसके बाद में अगर बात करें, बालक में तर्क और चिंतन का विचार उत्पन्न करना, बालक को बोलने का अधिकार अवसर देना, रुचिपूर्ण उपदेश प्रदान करना, ये राइट बात है, ये भी राइट बात है, ये भी राइट है। लेकिन बालक का तर्क और चिंतन पर विचार उत्पन्न करना नहीं होता प्राथमिक स्तर पर, उनको केवल मनोरंजन बोलने के लिए अवसर देना और उनमें रुचि पैदा करने के लिए जो प्राथमिक स्तर पर है उनके उद्देश्य, जो कहानी या शिक्षण, कहानी शिक्षण दिया जाता है उसके लिए उद्देश्य होता है, विचार उत्पन्न करना उद्देश्य नहीं होता। सहस्वर वाचन का प्रमुख अंग नहीं है। सहस्वर वाचन के लिए जो प्रमुख अंग है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके चार ऑप्शन है, ध्वनि का उचित ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का ध्यान, शीघ्रता से वाचन करना। प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न ये था कि सहस्वर वाचन का प्रमुख अंग नहीं है। सहस्वर वाचन में ध्वनि का उचित ज्ञान भी होता है, शुद्ध उच्चारण भी होता है, विराम चिन्हों का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन शीघ्रता से वाचन करना ये इसका अंग नहीं होता है ठीक है। 58 की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित कथनों में से आप किस कथन से सहमत हैं? चार कथन दिए गए हैं, चारों कथनों में हमें सहमति प्रदान करनी है।
कि एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है। चूँकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, इस बात से सहमत नहीं हम। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर की कमी के कारण होती है, इस बात से भी हम सहमत नहीं हैं। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने से उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, इस बात पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला जो कथन है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था में बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब माना जाता है। 59 भाषा अवबोधन में संबंधित विकार है। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार बलाघात, भाषाघात, चलाघात, पठन के वैकल्य, वाक संबंध रोग। 59 की अगर हम बात करें तो भाषाघात है वो भाषा जो अवबोधन है उसमें क्या करता है, विकार उत्पन्न करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से राइट होगा। निम्नलिखित कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चे की विशेषता है, इनमें से जो आपकी अधिगम असक्तता है, डिसेबिलिटी है, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने की कठिनाई, अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक कार्य में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि डिसेबिलिटी अधिगम में, तो वो धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने में शब्दों का पलट कर जाने में कठिनाई होना, शब्दों को जब पलट कर हम नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, प्रभावी हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होने वाला है। तो इस तरीके से हमने भाषा फर्स्ट हिंदी के रूप में हमने 31 से लेकर 60 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया है। भाषा फर्स्ट हिंदी के रूप में हमने 30 क्वेश्चन पढ़े हैं, उसके बाद में हम SST यानी सामाजिक के 60 प्रश्नों पर हम अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं हम, हमारा पहला क्वेश्चन यानी 91, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, 1923 में नागपुर में जो सत्याग्रह हुआ था उसके लिए आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है सत्याग्रह कौन सा है, चरखा सत्याग्रह है, खूनी सत्याग्रह है, ध्वजा सत्याग्रह और बंदूक सत्याग्रह। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ, चार ऑप्शन, चरखा सत्याग्रह, खूनी सत्याग्रह और ध्वजा सत्याग्रह और बंदूक सत्याग्रह। तो 91 में जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, वो होगा ध्वजा सत्याग्रह यानी तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल। 1923 में नागपुर में जो सत्याग्रह हुआ था वो ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के मामले में कुशल अकर्मण्यता या शानदार निष्क्रियता, पॉलिटी ऑफ मास्टरली इनिशिएटिविटी की नीति किसने अपनाई। अफगानिस्तान के मामले में कुशल अकर्मण्यता या शानदार निष्क्रियता की नीति किसने अपनाई, लॉर्ड मेयो ने, सर जॉन लॉरेंस ने, लॉर्ड लेंसडाउन या लॉर्ड कर्जन ने। ये चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, तो आपको चारों में से एक ऑप्शन चुनना है कि अफगानिस्तान के मामले में जो कुशल अकर्मण्यता या शानदार निष्क्रियता की जो नीति अपनाई थी वो किसने अपनाई थी। तो ऑप्शन आपको लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लेंसडाउन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड कर्जन, ये चार ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर जॉन लॉरेंस ने कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी अफगानिस्तान के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खाने भारत के किस भाग में स्थित थी। धातु की खोज मानवीय इतिहास की क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित थी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु।
चार यहाँ पर राज्यों के नाम दिए गए हैं, बिहार, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। कूट आपको ऑप्शन में केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक दो तीन या दो तीन चार, तो इनमें से ऑप्शन में चुनना है। कहाँ कहाँ पर तांबा देने वाली जो खानी है वो भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाती है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन केवल एक है, दूसरा ऑप्शन दो और तीन है, लेकिन तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और जो तीसरा है, तीनों ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होने वाली। बिहार, राजस्थान और गुजरात में सर्वाधिक तांबा देने वाली खानी है वो भारत में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की अगर हम बात करें, 94 क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि कहाँ 16 जलाशयों के अवशेष मिले जिनमें कई चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। यह रॉक सीट आर्ट का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। धोलावीरा, लोथल, बनावली या कालीबंगा। 16 जलाशयों के जो अवशेष मिले हैं उनमें से रॉक सीट आर्ट का प्राचीनतम उदाहरण माना गया है तो धोलावीरा, लोथल, बनावली या कालीबंगा। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जो प्राचीन स्थल है उनमें से धोलावीरा वहाँ पर रॉक आर्ट सीट का प्राचीनतम उदाहरण माना गया है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ से राइट होने वाला है। सत्याग्रह के प्रमुख तीन स्वरूप कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा स्कूल में नहीं जाना, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा वकालत नहीं करना, सविनय अवज्ञा तथा खेती नहीं करना। यहाँ पर जो आपको चार ऑप्शन दिया गया है उसमें दो चीज़ें कॉमन है, असहयोग व सविनय अवज्ञा, असहयोग व सविनय अवज्ञा, ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पर कॉमन दी गई है। लेकिन आपको यहाँ से पहचानना है कि सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन से, तीसरा स्वरूप कौन सा है, स्कूल नहीं जाना था, बहिष्कार था, या वकालत नहीं करना था, या खेती नहीं करना था। तो सत्याग्रह का जो तीन प्रमुख स्वरूप थे वो थे निम्नलिखित में से, आपका असहयोग, सविनय अवज्ञा और आपका बहिष्कार। दूसरा ऑप्शन यहाँ से राइट होगा। सत्याग्रह के लिए जो प्रमुख तीन स्वरूप थे वो असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार था। उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन में आपको अरबी, तुर्की, फारसी और लैटिन आदि जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ से पहचान करना है उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। मैं आपको बता देता हूँ उर्दू के बारे में थोड़ा सा। उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शाही शिविर। उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? शाही शिविर होता है, अर्थात खेमा। तो उसके बाद में अगर बात करूँ, अमीर खुसरो ने इस भाषा को हिंदवी भी कहा। अमीर खुसरो ने इस भाषा को क्या कहा? हिंदवी कहा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस कवि ने उर्दू को हिंदवी कहा तथा देहलवी भी कहा। उर्दू या देहलवी भी कहा। उसके बाद में अगर और बात करें आपसे, तो इस भाषा की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई है, परंतु उसका वास्तविक उत्पत्ति है वो इल्तुतमिश के काल में मानी जाती है। इल्तुतमिश के काल में मानी जाती है। वास्तव में वैसे तो 11वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन जो इल्तुतमिश का जो समय था, वास्तविक जो उसकी जो उत्पत्ति होती है वो इल्तुतमिश के काल में होती है। 97 है, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी? किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन आपको दिया गया है, पतंजलि के महाभाष्य, नारद स्मृति, मनुस्मृति, देवल स्मृति। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी यहाँ से आपको बताना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नारद स्मृति थी उस नारद स्मृति में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दे दी गई थी। तो प्राचीनतम ग्रंथ यह है, तो इस प्राचीनतम ग्रंथ में अनुमति यहाँ से मिल जाती है विधवाओं को, नारद स्मृति में। 98 में मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार ऑप्शन आपको दिया गया है,
चार कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, उन कथनों का हमें मिलान करना है कि अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं का गज़ सिकंदर 32 अंगुष्ठ था। अबुल फजल बताता है कि गज़ इलाही की लंबाई 41 अंगुष्ठ थी के बराबर थी, गज़ शाहजहानी 33.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम था। तुजुक के जहांगीरी में वर्णित है कि गज़ ए यहाँ पर गन नहीं है, गज़ है, गज़ सराय की लंबाई 26 अंगुष्ठ है। यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ से मिलते हैं उनका मिलान आपको कर लेना है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 1, 2, 3, यानी पहला 30, दूसरा और तीसरा। दूसरा ऑप्शन है 1 और 4, पहला और चौथा। तीसरे ऑप्शन में 2 नंबर और 4 नंबर की बात की गई है, और जो अगला ऑप्शन है उसमें तीनों की बात की गई है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमें मिलान करना है कि चारों जो कथन दिए गए उनमें कौन से सत्य थे, विचार हमें करना है। तो ऑप्शन इसका 1 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही कहे गए हैं। जो यहाँ पर बात की गई है गज़े सिकंदरी 32 अंगुष्ठ था, गज़े इलाही 41 अंगुष्ठ के बराबर थी, गज़े शान जानी 33.5 से बहुत थोड़ा कम थी, ये चीज़ें आपको यहाँ से बिल्कुल राइट मिल जाती है। 99 में क्या है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो उनका हमें मिलान करना है। एक को कथन ए और दूसरे को यहाँ से आर कहा गया है। तो देखिए एक कथन में क्या है, 17वीं शताब्दी के पूर्वाध में नील को यूरोपीय व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था और उसके पश्चात इसमें तेज गिरावट आई। कारण, आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई तथा वेस्ट इंडीज में स्थित बागानों जहां दास काम करते थे से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन स्थापित हो गया। ये दो कथन है, दोनों कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो ऑप्शन आपको उपरोक्त दोनों कथनों में, पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है, यानी एक आ गया उसकी जो व्याख्या है वो आर करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की व्याख्या आर नहीं है, ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही, तो ये भी कट हो जाता है, ये भी कट हो जाता है। ए और आर दोनों ही सही है, ये तो बात यहीं भी कही है, लेकिन आगे जो कहा गया कि ए की जो व्याख्या है वो आर है, बिल्कुल राइट है। ए की जो व्याख्या है यहाँ पर जो ये बात कही गई उसकी व्याख्या कौन करता है, इसकी व्याख्या आर करता है। 100 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के उस गवर्नर का नाम बताइए जो भारत के ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बंगाल के उस गवर्नर का नाम बताना है जो भारत के शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कार्नवालिस, ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो गवर्नर है बंगाल के गवर्नर, उनमें से भारत के ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, चारों में हमें मिलान करना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कार्नवालिस, तो इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, लॉर्ड क्लाइव है जो भारत के ब्रिटिश शासन के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। सूची एक तथा सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मलिंद पहो, तक्षशिलालेख आदि जो यहाँ पर दिए गए हैं और उनके साथ आपको जो कूट दी गई है उनको हमें मिलान करना है। तो हमें सबसे पहले एक ऐसा चीज़ देखना होगा जिसमें आपको कुछ एक दो चीज़ें आती हो। तो अगर मैं बात यहाँ से करूँ, गंधार कला है वो कुषाण के समय की मानी जाती है, गंधार कला है वो कुषाण के समय की मानी जाती है। जूनागढ़ शिलालेख है वो रुद्रदमन माना जाता है। मिलिंद पहो की बात करें तो मिनियडर, वैसे मैं याद रख लेना। तक्षशिला है वो पतिक। तो ये जो ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, गंधार कला, कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदमन, मिलिंद नहो, मिलेंडर, तक्षशिलालेख, पतिक, ये जो चार ऑप्शन है इस प्रकार से उनका मिलान हो जाता है। औरंगजेब ने भारत किस
अंग्रेज़ गवर्नर को भारत से निष्कासित किया था? औरंगजेब ने किस अंग्रेज़ गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? ऑप्शन आपको चुनना है, सर निकोलस बेटे, सर जॉन चाइल्ड्स ओंगियर, सर जॉन गेयर। चार ऑप्शन है। औरंगजेब ने किस अंग्रेज़ गवर्नर को भारत से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से दो राइट हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड्स है, उसको यहाँ से निकाल दिया था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे उद्रंग, विदक भागम, उपरनिका, हिरण्य। प्राचीन भारत में सिंचाई कर, सिंचाई जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को क्या कहा जाता था? तो उस टैक्स की अगर हम बात करें तो उस टैक्स को विदक हम कहा, विदक भागम कहा जाता था। नेक्स्ट ऑप्शन है, संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास व सर्वोत्तम काव्य है? संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास व सर्वोत्तम काव्य है अष्टाध्यायी, राजतिरंगिणी, कादंबरी, पंचतंत्र। संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास व सर्वोत्तम काव्य है अष्टाध्यायी, राजतिरंगिणी, कादंबरी, पंचतंत्र। संस्कृत उपन्यास का प्रथम और सर्वोत्तम काव्य, प्रथम और सर्वोत्तम काव्य अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, पंचतंत्र, कादंबरी। तो संस्कृत साहित्य का जो प्रथम उपन्यास है वो तो कादंबरी, और सर्वोत्तम का जो उपन्यास है वो भी कादंबरी ही माना जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वाधिक प्रभाव उत्पादक अपवहन तंत्र के हड़पाई स्थल में था बनावली, हड़प्पा, भीमा, मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक प्रभाव उत्पादक अपवहन तंत्र की हड़पाई स्थल में था तो बनावली, भीमा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो है, वो सर्वाधिक प्रभाव उत्पादक अपवहन तंत्र हड़पाई स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो हम अभी पॉलिटी के जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। जो ग्राम पंचायत है वो आपकी क्षेत्र की नगरपालिका समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति। ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है, तो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए बिल्कुल आसान है। ग्राम पंचायत निम्नलिखित के अंतर्गत कार्य करती है, तो ग्राम सभा के अंतर्गत कार्य करती है, ग्राम सभा के अंतर्गत कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, NCW। तो चार यहाँ पर आपको निकाय दिए गए हैं, उसमें संवैधानिक या संविधान के रूप से जो अंतर्गत नहीं आता उस निकाय की बात हमें करनी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल काउंसिल वुमेन ऑफ वुमेन, ये जो चौथा ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। भारत का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग है वो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है, चौथा ऑप्शन राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक और दो के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ से आपको सूची एक और दो का मिलान कर लेना है। तो सूची छत्तीसवां संवैधानिक संशोधन, बी ऑप्शन इकसठवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, सी ऑप्शन सत्तानवें संवैधानिक संशोधन, तीन और डी 99वें संवैधानिक संशोधन। तो पहला क्या, न्यायिक नियुक्ति की पारदर्शिता 36वें, वो सिक्किम की एक पूर्ण रूपेण राज्य के घोषणा, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण करना, यानी 36वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत क्या आने वाला है उसकी अगर हम बात करेंगे तो 36वां जो संविधान संशोधन है वो क्या है, सिक्किम की एक पूर्ण रूपेण राज्य के रूप में घोषणा करता है 36वां, यानी इसका दो नंबर ऑप्शन राइट होगा।
61वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो क्या है? 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसमें मतदान की जो आयु है, मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्या है आपका? 61वां संविधान संशोधन था वो तो आपके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद में सी ऑप्शन आपका है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके अंतर्गत कौन सा आता है? चार नंबर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण एवं कार्य प्रणाली। ठीक है, उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो 97वां संविधान संशोधन है वो चार नंबर आएगा। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम तो उसमें कौन सा आता है? तो एक नंबर ऑप्शन आपका बच जाता है न्यायिक नियुक्तियों की पारदर्शिता। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है आपका चौथा राइट हो जाएगा। पहले के लिए दो नंबर आपको याद रखना है, दूसरे के लिए आपको तीन नंबर और चौथे के लिए आपको एक नंबर याद यहाँ से रखना है। राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या कितनी होगी? तो 109 की अगर हम बात करें तो 8, 10, 12 और 15 यहाँ से आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या है अध्यक्ष को मिलाकर अगर हम बात करें तो क्या है 109 नंबर क्वेश्चन? देखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित अनुमत है, यानी हमें आरपीएससी के जो संख्या है वो पूछी गई है, वो भी अध्यक्ष के सहित हमसे पूछी गई। ऑप्शन में हमें दिया गया है 8, 10, 12 और 15। तो आरपीएससी के सदस्यों की संख्या हमें बतानी है, तो आरपीएससी की संख्या कितनी होती है आप बताओगे मुझे? तो आरपीएससी के सदस्यों की संख्या जो होती है वो 8 होती है अध्यक्ष सहित। संख्या जो 8 होती है वो कितनी होती है? 8 होती है अध्यक्ष के सहित, 8 होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या है, भारतीय संविधान की जो अंतिम व्याख्या है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी व्याख्याता है, उच्चतम न्यायालय, संसद और विदेश मंत्री। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और विदेश मंत्री। तो मैं आपको बता देता हूँ भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है वो सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार संपत्ति को कष्ट न करना क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? नागरिक कर्तव्य, मूल अधिकार, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। कोई भी सरकारी संपत्ति होती है उसको नष्ट नहीं करना क्या होता है? मूल अधिकार होता है, नागरिक का कर्तव्य होता है, या दोनों ही होते हैं ये, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताएंगे जल्दी से मुझे। तो मैं आपको बता देता हूँ सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना एक नागरिक का कर्तव्य होता है, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष नॉन एलिजेंट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गुट निरपेक्ष नॉन एलिजेंट आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसकी बात हम करें तो ऑप्शन आपको दिया गया 1948, दो नंबर में दिया गया 1952, तीन में दिया गया 1961 और चार नंबर में दिया गया है 1971 ऑप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में मैंने क्या कहा, 1948 है, 52 है, 1961 है, 1971 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो मैं आपको बता देता हूँ गुट निरपेक्ष की शुरुआत है वो 1961 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं। कोई भी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश था जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है तो अब उसे वो वकालत का व्यवसाय करना चाहता है तो किस स्तर तक कहाँ कर सकता है। सिर्फ निम्न कोर्ट में, समाज कोर्ट में, समान स्तरीय, उच्च स्तरीय, अन्य किसी न्यायालय में, जहाँ कहीं भी। तो इसका ऑप्शन जो क्लिक हो जाएगा वो होता है सामान्य स्तरीय, उच्च स्तरीय, अन्य किसी न्यायालय में। तो ऑप्शन तीन नंबर राइट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई भी एक जज है वो सेवानिवृत्त हो चुका है, रिटायर हो चुका है, तो वो अपना जो व्यवसाय है वकालत का वो सामान्य स्तर या उच्च स्तर या अन्य किसी न्यायालय में अपना जो वकालत का कार्य है वो कर सकता है। राज्यसभा में अधिकतम खाली स्थान हो सकते हैं तो हमें सदस्यों की संख्या बतानी है। ऑप्शन में राइट दिया गया है यहाँ पर 201, 409 सदस्य, 250 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या आपको खाली स्थान में बतानी है तो 250 अधिकतम संख्या राज्यसभा में होती है अधिकतम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि भारतीय संविधान में संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं वो जोड़े गए हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कोई भी चीज़ हमें जोड़नी है संविधान संशोधन में तो वो 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 में जोड़ी जाती है, और कोई भी चीज़ माइनस करनी है, घटानी है, तो वो 44वीं संविधान संशोधन 1978 के दौरान है हटाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखना है 28वें, 40वें और 42वें और 52वें। तो मैंने ये कहा कि आपको शब्द जोड़े गए यानी प्लस किए गए, तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं वो जोड़े जाते हैं। आगे देखिए 116 में, 116 में मंगलूर बंदरगाह है से किस खनन क्षेत्र का लोह अयस्क निर्यात होता है। मंगलूर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लोह अयस्क निर्यात होता है, बेलाडीला, कुद्रेमुख, बल्लारी या चंद्रपुर। ये चार बंदरगाहों के नाम आपको दे रखे हैं, बेलाडीला, कुद्रेमुख, बल्लारी और चंद्रपुर। तो आदि आदि इनकी हम बात करें तो आपके जो खनन क्षेत्र का लोह अयस्क निर्यात होता है वो कुद्रेमुख मंगलूर बंदरगाह पर, सॉरी कुद्रेमुख खनन क्षेत्र में लोह अयस्क का निर्यात होता है, ये आपको यहाँ से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन क्या है कि अंटार्कटिक में आज में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है। क्वेश्चन ये है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है, दिसंबर तथा जनवरी में, अक्टूबर तथा नवंबर में, सितंबर तथा अक्टूबर में, अगस्त सितंबर में। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अंटार्कटिका में ओजोन का जो विनाश है, सर्वाधिक विनाश है, वो किस माह में होता है, तो यहाँ पर तीन नंबर ऑप्शन राइट होगा, सितंबर तथा अक्टूबर माह में जो ओजोन है उसका सर्वाधिक विनाश यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई। चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन पूछा क्या गया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो ओजोन परत की विनाश की जो स्थिति है वो किस माह के बीच बनती है, तो आपको बता देते हैं कौन से माह में मिलती है। ऑप्शन में मार्च अप्रैल है, मई जून है, अप्रैल मई है और आपकी जून जुलाई है, तो इसका ऑप्शन यहाँ से राइट होने वाला है।
मार्च से अप्रैल के बीच मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्नलिखित में से मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? CO2, CO, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो मोटर वाहन है उसमें जो एक गैस निकलती है, जो प्रदूषित गैस होती है, वो गैस का नाम आपको बताना है कौन सी गैस है। CO2, CO, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। CO2 है वो वाहनों से निकलती है और वो मुख्य रूप से क्या होती है, प्रदूषित गैस होती है। अमल वर्षा एसिड रेन होती है, अमल वर्षा या एसिड रेन होती है। तो अमल वर्षा या एसिड रेन की अगर हम बात करें तो कारखानों से, कोयला जलाने से, पेट्रोल से या लकड़ी से। आपसे क्या पूछा गया है, अमल वर्षा एसिड रेन होती है कारखानों से, कोयला जलाने से, पेट्रोल से, लकड़ी से। तो आपको बताना है 120 में अमल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। तो अमल वर्षा का मुख्य कारण आपसे अगर बात करें तो देखिए, कारखानों से अमल वर्षा है वो मुख्य रूप से होती है। गंगा नदी के संरक्षण के प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए राजस्थान के लिए सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया। तो इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शनों में बात करें कि वन एवं पर्यावरण मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो राष्ट्रीय गंगा घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था तो उसका अध्यक्ष है, तो कौन इसका अध्यक्ष होता है, वन एवं पर्यावरण मंत्री और नीति आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री। तो मैं आपको बता देता हूँ, 20 फरवरी 2009 के जो प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो उसके मुताबिक कौन है, तो वो ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। गंगा नदी प्राधिकरण में गंगा सफाई अभियान के तहत कब तक गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आपको पता है 2020 तक, 25 तक, 35 तक और 30 तक, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था, देश के प्रधानमंत्री का ये नारा था और महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर ये होना था। तो देखिए 2020 तक इसका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये सभी को ही पता होने वाला है। परिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती ज़मीन निम्नलिखित में से किस हेतु है? पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती ज़मीन निम्नलिखित में से किस उपयोगी हेतु होती है? पोषक पुनरापत्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का आगाधिकरण कम करने हेतु या उपरोक्त सभी चार ऑप्शन। और आर्द्र भूमि होती है उसका क्या उपयोग आता है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पोषक पुनर्प्राप्ति, चक्र एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों को गाधिकरण कम करने हेतु। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो तीनों ही ऑप्शन है आपके वो इस क्वेश्चन के बन जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 124 नंबर, वो क्या है कि 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि ग्रान यानी मैग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। तो ग्रान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार का कार्य करते हैं? तो 2004 में जो सुनामी आई थी उसने
जो मैग्रोव तटीय आपदा है के विरुद्ध विश्व सुरक्षा के बड़े कार्य करते हैं, तो ये कौन कौन से कार्य करते हैं? तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिलता है कौन कौन से कार्य यहाँ पर आपको मिलते हैं। देखिए, ग्रान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहाँ लोग न तो रहते और नहीं जाते हैं। ग्रान भोजन और औषधियों दोनों प्रदान करते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के बाद लोगों की जरूरत पड़ती है। ग्रान के वृद्ध घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग्रान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ग्रान के वृक्ष है, मैग्रोव के वृक्ष है, उनकी जड़ें हैं वो सघन होती है, कठोर होती है, इस कारण तूफान और ज्वार है वो ठीक है वो उनको उखाड़ते नहीं है, वो उखड़ते नहीं है, एक जगह बने रहते हैं। तो ये चीज़ें आपदा आने पर वो वृक्ष है अपनी स्थिति में रहते हैं। 25वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 25वां क्या है, देखिए आप, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं। जो पारिस्थितिक चक्र होता है, ठीक है, इस तरीके से एक जो चक्र होता है उस चक्र तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र कहते हैं या भूगर्भक चक्र कहते हैं या भूरासायनिक चक्र कहते हैं या जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। तो चार ऑप्शन है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाने वाला है यहाँ से, जैव भू रासायनिक चक्र। पीट मोस क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में आपको देख लेना है, फ्यूनेरिया, पोलेरा, पोरेला, पेलियाश, स्पेगनम, चार ऑप्शन आपको मिलता है। पीट मोस है वो क्या कहलाता है, तो पीट मोस है वो पोरेला कहलाता है। पोरेला ये जो आपका जियो का क्वेश्चन है, एस आर कश्यप प्रसिद्ध है फाइकोलॉजी के लिए, माइकोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के लिए, टोरिडोलॉजी के लिए। एस आर जो कश्यप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, बायोलॉजी एंड टोरिडोलॉजी आदि ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका जो एस आर कश्यप है वो बायोलॉजी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। कार्बन चक्र में जीवाणु बैक्टीरिया की भूमिका है, कार्बन जीवाणु चक्र में बैक्टीरिया की जो भूमिका है वो भूमिका क्या रहती है, रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास या उपरोक्त सभी। तो आपको कार्बन चक्र में बैक्टीरिया की भूमिका होती है वो रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण भी होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास होता है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सारी ही बातें हैं वो इसको क्या करती है, समाहित करती है। 129 में जनसांख्यिकी संगठन सिद्धांत इसके मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, डब्ल्यू एस थैम्पसन और डब्ल्यू नोटेंसन बोग या ट्रिवार्थो या मेल्थस, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑप्शन आपसे क्या पूछा गया है कि जो जनसांख्यिकी संगठन है उसके सिद्धांत उसके मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो डब्ल्यू एस थॉम्सन और डब्ल्यू एस नोटेंसन द्वारा ये जो जनसांख्यिकी संगठन सिद्धांत है इसके मूल रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। रोबस्टा किसका एक प्रकार है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है, केला है, कॉफ़ी है, तंबाकू है या कोकोआ, ये किस्म है रोबस्टा, तो ये कौन सी किस्म है ये आपको बतानी है। तो रोबस्टा की जो किस्म है वो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, केला है, कॉफ़ी है, तंबाकू है, कोकोआ है। तो यहाँ पर जो ये जो रोबस्टा है वो किसकी है, रोबस्टा
रोबस्टा है वो कॉफ़ी की एक किस्म है, कॉफ़ी के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। गोडावन के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। गोडावन के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जाने वाला अभियान ऑपरेशन वस्टर्ड जीन पुल संरक्षण अधिनियम, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं, जो गोडावन का जो संरक्षण है उनके लिए जो राजस्थान सरकार है वो अभियान कौन सा चला रही है, तो ऑपरेशन वस्टर्ड जीन पुल संरक्षण अभियान, ये दोनों जो अभियान है वो राजस्थान सरकार गोडावन का जो संरक्षण है उस करने के लिए राजस्थान सरकार है वो चला रही है। शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान रहता है, शीत ऋतु जब आती है तो राजस्थान राज्य में जो औसत तापमान है वो कितना रहता है, ऑप्शन में आपको 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट ही जाता है, या उनमें से कोई नहीं। शीत ऋतु में राज्य का जो तापमान रहता है वो तापमान कितना होता है, 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान है वो रहता है। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, सरिस्का अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन में आपको दिया गया है सरिस्का अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य और कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो जहाँ से हमें ऑप्शन का चुनाव कर लेना है, राजस्थान का जब सबसे छोटा अभयारण्य है वो है सरिस्का अभयारण्य, यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाता है पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। राजस्थान में राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की आधारभूत वर्णन किसने किया था, राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानी है, चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन है वो किसने किया था, ऑप्शन में है ए एम हेरोन ने, प्रोफेसर राम लोचन सिंह ने, प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की जो आधारभूत वर्णन किया था तो वो ए एम हेरोन ने किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर में पाई जाती है जबकि न्यूनतम जनजातियां कहां पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजातियाँ हैं वो उदयपुर में पाई जाती है, तो जबकि न्यूनतम जनजातियाँ किस में पाई जाती है, तो सिरोही, बीकानेर, जयपुर और जालौर। हम इन चारों ऑप्शनों की अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियाँ उदयपुर में पाई जाती है, तो जबकि न्यूनतम जनजातियाँ हैं वो बीकानेर संभाग में, बीकानेर में ही पाई जाती है। डोमर जनजाति का, डोमा जनजाति का ग्यारसी की रेवाड़ी का मेला कहाँ लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 क्या कह रहा है कि जो डामोर जनजाति है उनका जो ग्यारसी की रेवाड़ी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा। ऑप्शन में आपको चार दिए गए हैं, तो आपको बताना है डामोर जनजाति का जो मेला है, ग्यारसी का मेला, वो डूंगरपुर में भरता है, तो ऑप्शन दूसरा राइट होगा। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक जनजातियाँ उदयपुर में पाई जाती है, तो जबकि न्यूनतम जनजातियाँ, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट है, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कि 27 सितंबर 2017 को किस राज्य को बेहतरीन विज्ञापन, किस राज्य को बेहतरीन विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये तो आप आइडिया लगाकर बता ही सकते हो कि 27 सितंबर 2017 को झारखंड, हरियाणा, केरल, राजस्थान में से किस राज्य को बेहतरीन विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार का जो आता है तो हमें अपने राजस्थान को नहीं भूलना चाहिए, तो राजस्थान राज्य को बेहतरीन विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला पुष्कर जी, गोगा मेड़ी, पाबू जी और भर्तृहरि आदि का जो मेला भरता है उनमें से हमें बताना है। जो मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है वो है भर्तृहरि मेला भरता है, भर्तृहरि में मेला सबसे ज़्यादा भरता है। कांगड़ कांड अक्टूबर 1946 को किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हुआ था? जो कांगड़ कांड है अक्टूबर 1946 को जो प्रजामंडल हुआ था वो कौन सा प्रजामंडल था जिसमें ये घटना घटित हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और हड़ौती प्रजामंडल। तो कांगड़ कांड की अगर हम बात करें तो हमारा जो कांगड़ कांड है वो अक्टूबर 1946 में बीकानेर प्रजामंडल के दौरान ये जो घटना है वो घटित होती है, बीकानेर प्रजामंडल। तो ऑप्शन एक नंबर इसका राइट होगा। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है, ठीक है, साइकोलॉजी के बाद सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है। सदैव, कभी नहीं, कभी कभी या गणना में। 141 में क्या है? सीखना निर्भर है, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन में सदैव, कभी कभी, कभी नहीं या गणना, तो ये बात यहाँ पर कही गई है चार ऑप्शन में। तो सीखना है वो सदैव ही संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर होता है, ये हमें मान लेना है हमेशा के लिए। जो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो लर्निंग प्रोसेस संज्ञानात्मक विकास पर ही आधारित होता है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है, शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है। छात्र स्वयं करके नहीं सीखते, छात्र मानसिक तनाव का सामना करते हैं, छात्र उत्सुकता खो देते हैं, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण में जो प्रदर्शन विधि की कमी होती है वो छात्र स्वयं करके नहीं सीखता, ये सबसे बड़ी कमी होती है। एक अच्छा शिक्षण करने के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए, टीचिंग जिस दौरान बच्चा कर रहा होता है अगर उसको कुछ सीखना है, लर्निंग करना है, तो उसको स्वयं को करके सीखना होता है। क्योंकि आज के हमारी जो शिक्षा आधारित है वो करके सीखने पर, क्रियाशीलता पर सबसे ज़्यादा आधारित है। जब हम क्रियाशील रहेंगे तो हम ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे, यही हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि 100 प्रदर्शन विधि है वो छात्र स्वयं नहीं करके सीखते, ये सबसे बड़ी कमी हमें यहाँ से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय बहुलतावादी समाज में नागरिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनके प्रतिनिधित्व करना चाहिए। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन यहाँ से चौथा राइट होने वाला है। तो सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनके प्रतिनिधित्व करना एक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का महत्व होना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 144 144 नंबर की क्वेश्चन की बात हम करें तो देखिए उसमें क्या पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा। जो निदानात्मक शिक्षण है और जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उस शिक्षण में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है वो देखिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के दौरान पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध करवाना, चर्चा के लिए अवसर प्रदान करना, विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना और विद्यार्थी की त्रुटियां में तुरंत सुधार करना। तो हमें निदान और उपचारात्मक शिक्षण के लिए हमें क्या करना है? कोई भी विद्यार्थी अगर कठिनाई महसूस करता है तो उस कठिनाई की पहचान हमें करनी चाहिए और उसका हमें उपचार करना चाहिए। पहले निदान करना चाहिए उसका, फिर उसके बाद में उसका उपचार करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन 145 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा। अगर आप एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं तो आप एक बालक को सामाजिक है वो लर्न करवा रहे हैं,
तो आपका क्या क्या लक्ष्य होना चाहिए? मानवता का विकास करना, राष्ट्रीयता का विकास करना या सामाजिकता का विकास करना? हाँ, हमें ये अपना लक्ष्य है वो निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारे जो बालक हैं वो एक मानवता का विकास हो जाए, उसमें राष्ट्रीयता का विकास हो जाए और सामाजिकता का विकास हो जाए। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। मानव सामाजिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार NCF 2005 के बारे में का आधार पत्र किस पर बल देता है? खुली पुस्तक परीक्षा पर देता है, सतत एवं समग्र आंकलन और परीक्षा निष्पादन या परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर। तो सामाजिक विज्ञान में परीक्षा का जो NCF है 2005 है वो सतत एवं समग्र आंकलन पर क्या देता है? बल अधिक देता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ से राइट होगा। 147 नंबर की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 147 नंबर क्वेश्चन में विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है, यह मत है। तो एरिक्सन महोदय का, स्किनर महोदय का, रॉबर्ट्स महोदय का या उक्त में से किसी का नहीं, कि विकास एक सामाजिक क्रियाओं का अवलोकन की प्रक्रिया है, यानी जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है। एरिक्सन महोदय ने नहीं कहा है, स्किनर ने भी नहीं कहा, रॉबर्ट्स महोदय के अनुसार ये होता है कि विकास एक सामाजिक प्रक्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है, यह मत उन्होंने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है? कौन सा परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है? एक तो संचालन, बाधा, अवसरवादिता, सफलता, जीव की चयनित गति। 4 चीज़ें दी गई है। ऑप्शन क्वेश्चन आपसे क्या है कि परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है, नहीं है आपसे पूछा गया है, तो संचालन है, वादा है, अवसरवादी सफलता है, ये तीनों तो है, लेकिन जैव की जो चयनित गति है वो नहीं है, तो यहाँ से चौथा ऑप्शन है वो यहाँ से राइट हो जाएगा, N148 का। निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है? निर्णय लेने का कौशल, विवेचनात्मक चिंतन कौशल, मूल्यांकन कौशल, शिक्षण कौशल। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन ये है कि किसी समस्या में के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है, निर्णय लेने का कौशल, विवेचनात्मक चिंतन कौशल, मूल्यांकन कौशल और शिक्षण कौशल। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो संकेत सबसे अधिक करता है वो है विवेचनात्मक चिंतन कौशल, समाधान, संभावित समाधान की ओर संकेत करता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर ध्यान देंगे? सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर सबसे अधिक चुनाव देंगे? तो यहाँ पर है जो चौथा ऑप्शन यहाँ पर है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ, विषय वस्तु, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, चौथा ऑप्शन विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक, विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक, ये 4 ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाते हैं, विषय वस्तु सुस्पष्ट और चित्रात्मक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ज़्यादा ध्यान दोगे? अच्छी सफाई, कम मूल्य, अधिक अध्याय छोटे या विषय वस्तु सुस्पष्ट या चित्रात्मक। बिल्कुल ये चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम कहीं भी एक बुक लेने जाते हैं, पुस्तक लेने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि विषय वस्तु सुस्पष्ट हमें दिखाई, अच्छी तरीके से दे रही है और उसमें चित्रों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, चौथा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने SST के जो 60 क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन यहाँ से हमने कर लिया है, SST के जो 60 क्वेश्चन हैं उसका अध्ययन हमने कर लिया है। और कुल मिलाकर हम बात करें तो 60 और 60, 120 क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको क्लियर करवा दिए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। और मैंने यहाँ पर करवाया क्या नहीं, मैंने यहाँ पर संस्कृत नहीं कराई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि उसको मैं डिस्क्राइब बढ़िया तरीके से नहीं कर सकता, इस कारण से मैंने उसको नहीं करवाया है। केवल और केवल मैं 120 क्वेश्चनों को ही यहाँ से हल करवाने वाला हूँ। आपको आपकी जो संस्कृत है उसके जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको अलग
अलग एक वीडियो सेशन के दौरान एक्सपर्ट के साथ आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में फिर से मैं आपसे रूबरू होता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।